भैया क्या नाम है आपका? हरीश राव। क्या घटनाक्रम हुआ? सर मेरे पापा मंदिर पे कर्मा नगर में 20 साल से पूजा करते थे। वहाँ पे पीछे थोड़ी जमीन थी, उसमें गाय वगैरह बांधते थे, दान में आई हुई थी। अच्छा। तो 20 साल से, ये 3-4 साल पहले से गौशाला गाय बांधने की जगह बनाई हुई थी। हाँ। तो अभी कुछ दिन पहले से वहाँ पे पास में रहने वाले भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष हरीश जी साहू उनको इस चीज़ की तकलीफ देते थे कि ये जगह छोड़ दो, मंदिर छोड़ दो, ये दे दो। तो अभी दो तीन दिन पहले इन्होंने आके उनको धमकाया, मारा, पीटा, तोड़ा हुआ। तो हमने सोचा कि ठीक है, बात कर लेंगे समाज के लोगों से तो और किसी समझ जाएंगे ये। लेकिन सर वो बिल्कुल नहीं समझे। उनने कल शाम को आके उनको, उनके लड़के दोनों चेतन और रवि ने उनको आके घेर लिया, घेर के उनसे कुछ लिखवाया कराया भी। हाँ। और उसके बाद उनको खूब मारा इनने। वो धर्म से वहाँ से मंदिर से निकल नहीं पा रहे थे। तो इनने उनको निकाला, मारा और उनको पीटा। और उनके जो मंदिर में ताले लगाए थे वो ताले भी तोड़ दिए साहब इनने। और ताले तोड़ने के बाद जो कटर मशीन लाए थे उसे ताले काटे इनने पूरे, और पूरे ताले तोड़ दिए। वहाँ पे जो गाय बंदी थी वो भी ये निकाल के ले गए। उसमें और भी शाम ने हो सकता है उसी क्षति पहुँचाई इन्होंने। हम लोग सब उनसे ध्यान उनके दे रहे थे, रात भर से पसंद है। और इनने उसमें नेतागिरी में जो भी है उनके, तो उसके कारण इन्होंने हमारे थाने में सुनवाई बहुत लेट हुई। 3 घंटे में सर हमारी रिपोर्ट लिखाई। एक बार थाने गए हम परिवार के 8-10 लोग, सबको भगा दिया, बोले सब वहीं आ रहे हैं अस्पताल में। उसको 1 घंटे तक फ़ोन लगाती रही उनको, बोले मैं वो जेल में हूँ, उसमें ड्यूटी लगी है, आ रहे हैं। सर 2 घंटे में जाते वो आए, फिर थाने गए एक बार, फिर आए उन्होंने जाके इसे पोस्टमार्टम करा। और यहाँ पे अस्पताल में हमारी सब सुनवाई हुई नहीं। यहाँ पे भी पता नहीं जो भी उन्होंने फोर्स कर रखा है, राजनीतिक फोर्स जो भी है। तो वहाँ पे आके यहाँ पे अस्पताल में भी हम आए, बोले रिपोर्ट नॉर्मल है। तो हम 12 बजे से यहाँ पे भगा रहे थे हमको अस्पताल वाले, कि बोले आप लोग यहाँ से जाइए, ये नॉर्मल है, ऐसा है। हमारा मरीज इतना तड़प रहा था, हम कह रहे थे सर इनको रख लीजिए। सर इनको मौत हुई सर इनके 5 बजे करीब। नहीं अभी नहीं हुआ सर। आरोपी पकड़ा है क्या कोई? अभी नहीं पकड़ा है सर। कौन कौन आरोपी है? हरिप्रसाद साहू, उनका लड़का चेतन साहू, उनका लड़का रवि साहू, और उनके साथ भी उनके दोस्त वगैरह भी थे सर। उनको तो हम जानते नहीं है कौन कौन कहाँ कहाँ से लाए थे। घटना के वक्त आप लोग कहाँ थे, बता दो घटना की? मैं सर बाहर था। अच्छा। मैं घर पर नहीं, मैं लेट आया था। कोई ने भी बचाव करा था? हाँ, मेरी मम्मी थी। ये था ना, ये भैया था। हाँ, हरीश साहू। हाँ, उसमें कुछ एक पर्ची लिख के गई और रखी है वो। उन्होंने उसमें कुछ लिखा है कि जो जो भी इनने पैसे ऐसे क्या जो भी है उनका, कि इनने क्या क्या करा उनके साथ, उनने वो भी लिखा है। अभी हमने देखा था उनको, तो उसमें मिला है हमारे पास पर्ची। इनने इनके पहले 2-4 बार ऐसे करते थे, ये यहाँ से खाली कर दो, बोले ये यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, बोले आप बोले नहीं गाय पाल सकते, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम ठीक है सर, वो पोच वाले आदमी थे, हाथ पर जोड़ लेते थे, ठीक है चल लेता है। और कर्मा नगर में 200 घर हैं, आप किसी से पूछ लीजिए यार।